फ्रेंड्स, ये आप जो स्क्रीन पर जीएसटी आईएन देख रहे हैं, इसका प्रोपराइटर है प्राइमा प्रदीप महात्रे और ट्रेड नेम डॉल्फिन ओवरसीज है। और ये देखिए दूसरा जीएसटी आईएन, इसके प्रोपराइटर का नाम है संजीव रामनाथ सिंह और ट्रेड नेम है प्राइम ओवरसीज। इन दोनों फर्म्स के प्रोपराइटर प्राइमा प्रदीप महात्रे और संजीव रामनाथ सिंह को महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर संपदा मेहता की टीम के द्वारा 450 करोड़ रुपए के जीएसटी फ्रॉड के मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। ये दोनों व्यक्ति अन्य लोगों के नाम पर भी कई जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा था और 450 करोड़ रुपए के बोगस इनवॉइस को परचेज करके 111 करोड़ रुपए के फेक आईटीसी अवेल किया था। जीएसटी डिपार्टमेंट इन दोनों को 6 महीनों से तलाश रही थी और अभी जाकर इन दोनों को सूरत से अरेस्ट किया गया है। एक बार आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये लोग क्या कर रहे थे और कैसे डिपार्टमेंट के जाल में फंस गए। तो जहां तक प्राइम ओवरसीज की बात है, तो इसने 11/3/2019 को प्रोपराइटरशिप के नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था और सिर्फ 2 साल में इसका टर्नओवर 100 करोड़ से 500 करोड़ के रेंज में आ गया, जबकि 2021 तो ऐसा कोरोना काल था जिसमें सभी बिजनेसेस के टर्नओवर कम हुए थे। ये भाई साहब कम समय में इतने ह्यूज ट्रांजेक्शंस के कारण डिपार्टमेंट के रडार पर आ गए और डिपार्टमेंट ने जब इंक्वायरी किया तो ये लोग फेक इनवाइस में डील करके आईटीसी जमा कर रहे थे, तो डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस दिया तो ये लोग फरार हो गए। प्राइम ओवरसीज के रजिस्ट्रेशन को डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन के डेट से ही मतलब एप इनिशियो कैंसिल कर दिया। ये भाई साहब डीलिंग्स गुड में एल्यूमिनियम वेस्ट एंड स्क्रैप एंड अदर्स डाल रखा है और इसका रिटर्न फाइलिंग पैटर्न देखिए तो पता चला है कि GSTR1 ठीक समय में फाइल किया जा रहा है ताकि इनसे इनवाइस खरीदने वाले को टाइमली आईटीसी मिले। अब आप डॉल्फिन ओवरसीज के डिटेल्स को देखिए, तो इसने रजिस्ट्रेशन लिया सितंबर 2018 में और 2 साल में इसका भी टर्नओवर 25 करोड़ से 100 करोड़ की रेंज के बीच में आ गया। ये भाई साहब भी एल्युमिनियम वेस्ट एंड स्क्रैप एंड अदर गुड्स में डील करते थे। इसका रजिस्ट्रेशन 16/9/2021 से कैंसिल कर दिया गया। एक्चुअली इसका भी कैंसिलेशन 10/9/2018 से ही होना चाहिए था। इसका भी रिटर्न फाइलिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सभी GSTR1 टाइमली फाइल किया गया है। तो भाई साहब इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा चलाए जा रहे फर्जी फर्म्स को जिसने भी इनवाइस सेल किया है या जिसने भी इससे इनवाइस परचेज किया है, वे सभी लोग जीएसटी डिपार्टमेंट के स्क्रूटनी में आ जाएंगे। आप लोग यदि और जानकारी चाहते हैं तो इन दोनों का GSTIN को लेकर एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।